फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन से शुरू होती है जहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ ड्रीम के बाद स्टीवन की नींद खुलती है। स्टीवन जगने के बाद कुछ असमंजस में लगता है, उसे सामने बैठी लड़की शॉन कहकर पुकारती है। स्टीवन बहुत ही कंफ्यूजन में उसे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसी समय एक व्यक्ति किसी को आवाज देते हमें सुनाई देता है और ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकती है। स्टीवन को मालूम पड़ता है कि ये ट्रेन शिकागो जा रही है। जब स्टीवन अपने आप को मिरर में देखता है तब हमें पता चलता है कि क्रिस्टीना उसे क्यों शॉन कहकर पुकार रही। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल हम व्यूअर को आता है कि स्टीवन मिरर में अलग और हमें एज अ व्यूअर क्यों अलग दिख रहा है। इससे पहले हम कुछ समझे, ट्रेन अचानक से ब्लास्ट हो जाती है और स्टीवन की आप एक अनजान लेडी की आवाज से खुलती है जो कह रही थी ये बिली गुड्स कैसल है। स्टीवन बिल्कुल कंफ्यूज होकर उस लेडी से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो लेडी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग के बाद उसे अपना नाम पूछती है। अभी स्टीवन को उसका नाम याद आता है जो कि गुडविन था। गुडविन उसे फिर से जाने को कहती है और उसे जाने से पहले कहती है कि स्टीवन को फिर से 8 मिनट मिलेंगे उस बॉमर और बॉम्ब को ढूंढने पर। एज अ व्यूअर हम कुछ समझे, उससे पहले ही दूसरा लूप शुरू हो जाता है। फिर से वो सब कुछ शुरू होता है और स्टीवन का जगना, एक आदमी का वॉलेट ट्रेन में भूल जाना और वगैरह वगैरह। स्टीवन इस सब को एक ट्रेनिंग समझ कर अपना काम शुरू करता है। उसे टॉयलेट में एक्सप्लोजिव मिलते हैं। एज अ मिलिट्री मैन वो सभी को बचाने में लगता है। उसके ये सब करने पर भी वो ट्रेन ब्लास्ट होती है और स्टीवन फिर से उसी कैप्सूल में जगता है। बहुत सवाल करने पर गुडविन उसे बताते हैं कि वो उनके साथ 2 महीने से है और गुडविन उसे उस ट्रेन और बॉम्ब के बारे में भी बताती। फिर से वो लूप शुरू होकर स्टीवन और क्रिस्टीना ये दोनों मिलकर ट्रेन में बैठे हुए लोगों को कैटेगरी में डालने लगते हैं जिससे उन्हें बॉमर का पता चले। स्टीवन और क्रिस्टीना ये दोनों ट्रेन से निकलकर एक आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन स्टीवन चाहे जितना कर ले वो ट्रेन ब्लास्ट होती ही है। वो आदमी बॉमर हो ही नहीं सकता है एज अ व्यूअर हमें पता चलता है। और स्टीवन की आँख उसी कैप्सूल में खुलती है, लेकिन इस बार चेंबर अचानक कारण से ठंडा हो रहा था। स्टीवन और गुडविन के बहुत प्रयास के बाद चेंबर नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। फिर स्टीवन की बात डॉक्टर रुथलेस से होती है जिन्होंने ये मशीन इन्वेंट की। डॉक्टर स्टीवन को बताते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तब मूवी का पहला प्लॉट खुलता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह सब कुछ एक सोर्स कोड है। वो एक उदाहरण से बताते हैं कि जब कोई लाइट बल्ब बुझने वाला होता है तब उसमें अलग ही चमक रहती है। उसी तरह ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर तक चार्ज रहता है मरने के बाद भी। डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन में लाश के समय कुछ डाटा रिकॉर्ड होता है लगभग 8 मिनट का। तब जाकर एज अ व्यूअर हमें समझ में आता है कि क्यों स्टीवन को 8 मिनट दिए गए थे। डॉक्टर उसे बताते हैं कि शॉन जो कि वो खुद है उस ट्रेन में, वो स्टीवन से जुड़ गया है क्वांटम इंटेंगलमेंट के द्वारा। पर डॉक्टर का कहना होता है कि 8 मिनट के बाद स्टीवन खुद ट्रेन में नहीं रह सकता। डॉक्टर कहते हैं कि ये सिर्फ एसेस है पैरेलल रियलिटी का। उनके अनुसार 8 मिनट के बाद कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टीवन फिर से उसी बॉमर को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि वो बॉमर आगे जाकर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था रियल शिकागो सिटी में। गुडविन के कहे अनुसार स्टीवन ट्रेन के लॉकर से गन लेने जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है कंडक्टर के द्वारा। फिर से वो लूप शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार स्टीवन लूप में जाने से पहले गुडविन का बैज देख लेता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि कैप्टन स्टीवन को ढूंढे जो कि वो खुद है इंटरनेट पर, और स्टीवन अपने काम में लग जाता है। वो एक ओल्ड लेडी से फोन लेकर उस बैज के बारे में ढूंढने लगता है। तभी क्रिस्टीना आती है और उसे बताती है कि कैप्टन स्टीवन मर गए है 2 मंथ पहले ही। लेकिन हम तो स्टीवन को शुरुआत से जिंदा ही देख रहे हैं। फिर अगेन सीरीज ऑफ ड्रीम के बाद स्टीवन की आँख खुलती है उसी कैप्सूल में। गुडविन से क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो रियल में मरा है, सिर्फ उसका दिमाग जिंदा है। इसीलिए एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि क्यों जब भी स्टीवन उस लूप से बाहर आता है तब कैप्सूल का सराउंडिंग चेंज हो रहा था, क्योंकि वो उसके दिमाग का भ्रम था। स्टीवन डॉक्टर से बात करते समय कहता है कि उसने वो उस ओल्ड लेडी के फ़ोन से उसे कॉल किया था, पर डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो कॉल कभी उनके पास आया ही नहीं, वो किसी और पैरेलल वर्ल्ड में चला गया हो। फिर से स्टीवन उस लूप से बाहर आता है
पर फ्रस्ट्रेटेड स्टीवन फिर से जाने को इनकार करता है। तब डॉक्टर उसको उसके पिता की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तब स्टीवन सोर्स कोड में जाने के लिए तैयार होता है। इस बार फुल टशन में किसी को दिखाई दिए बिना गन लेकर बॉम्ब को डिफ्यूज करके उसमें लगे हुए फोन को निकाल कर उसमें लास्ट कॉल को डायल करता है। स्टीवन को लगता है कि जॉर्ज ही बॉम्बर है, लेकिन उसके रीडायल करने के बाद उसे पता चलता है कि वो नहीं है। फिर उसे विंडो से एक आदमी दिखाई देता है जिसका फोन रीडायल करने के बाद बजा था। फिर हमें पता चलता है कि डेरेक फ्रॉस्ट, जिसका वॉलेट ट्रेन में रह गया था, जो हमें पिछले लूप में दिखाई दिया था, और हमें डेरेक फ्रॉस्ट और भी कई लूप में दिखाई दिया था, वही बॉम्बर है। उसका पीछा करने के बाद हमें पता चलता है कि उसने वॉलेट फिर से ट्रेन में डाल दिया था। स्टीवन के सेलफोन निकालने के बाद भी वो बॉम्ब फट जाता है और वो बॉम्बर स्टीवन और क्रिस्टीना को शूट करके पार्किंग से निकल जाता है। स्टीवन फिर से कैप्सूल में वापस आता है, उस बॉम्बर को रियल वर्ल्ड में पकड़ लेते हैं, पर एज अ सोल्जर वो विनती करता है कि उसे फिर से उसी ट्रेन में भेज दो ताकि वो उस ट्रेन को बचा सके, और डॉक्टर इस बात को ना कहता है। वो गुडविन से बात करता है, लेकिन जब ये दोनों बात कर रहे थे तब जाके हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग से जो बातें हो रही थी, जो एज अ व्यूअर हम एक वीडियो कॉल समझ रहे थे, वो स्टीवन टाइपिंग कर रहा था कंप्यूटर में, क्योंकि वो कंप्यूटर से जुड़ा था। गुडविन इमोशनल होकर स्टीवन को लास्ट लूप में डालती है और उससे वादा करती है कि उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर देगी, जो कि डॉक्टर नहीं करने वाला था। और फाइनल लूप शुरू होता है। फिर से वो कंडक्टर क्रिस्टीना बॉम्ब को डिफ्यूज करना, बॉम्बर को ट्रेन में बंद करके उसी के ही फोन से कॉप्स को कॉल करता है और पूरी ट्रेन को बचाता है। स्टीवन अपने फादर से बातचीत करता है आखिरी वाली, और उसी समय गुडविन उसका लाइफ सपोर्ट निकालने जाती है। हमें स्टीवन का फर्स्ट टाइम रियल लुक देखने को मिलता है, और स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद करते ही सोर्स कोड की दुनिया थम जाती है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। पर फिर से कुछ समय के बाद वो दुनिया शुरू होती है, पर एज अ व्यूअर वी ऑल इन कंफ्यूजन, एंड उसी तरह गुडविन को पकड़ लेते हैं डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार। सीन में हमें दिखाई दिया जाता है कि गुडविन जस्ट लैब में एंटर होती है और फोन में मैसेज देखकर हैरान होती है। वो मैसेज स्टीवन का था, और रीड करते ही मूवी खत्म। भाई लेकिन ये क्या है, क्यों, कैसे, कब, आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं तो मैं एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा। अगर आपने डॉक्टर की बात सुनी होगी तो उन्होंने ये कहा था कि पैरेलल वर्ल्ड जैसा है, बट उनका कहना था कि ये वर्ल्ड हमारे उस 8 मिनट वाले रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर गलत थे, जितने भी लूप थे वो सभी नए वर्ल्ड को जन्म दे रहे थे। तो इसीलिए जब स्टीवन ने मैसेज किया तब वो सोर्स कोड के हेल्प से एक न्यू वर्ल्ड में था, तब वो मैसेज उसी पैरेलल वर्ल्ड के गुडविन को मिला। और लास्ट में ये भी दिखाया है कि वो ट्रेन वाला हादसा इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, ऑल थैंक्स टू स्टीवन जिसने उस बॉम्बर को पकड़ा। होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, इफ यस प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।